वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अबाउट फ्लोरिकल्चर। फ्रेंड, आज का हमारा टॉपिक है कि समर फ्लावर्स के सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं और उनका सॉइल कैसे प्रिपेयर करते हैं। सो सॉइल से स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें 50% गार्डन सॉइल है, 20% फाइन सैंड एंड 30% वर्मिंग कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मिंग कंपोस्ट नहीं है तो काउ डंग भी ले सकते हो, फिर इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्स कर लिया है। ये देखिए ब्लैक सॉइल बन गई है, बिल्कुल फट है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी सीडलिंग्स हैं। ये बालसम की सीडलिंग है और साथ में जीनिया लगा है, और ये हमारी सनफ्लावर मिनिएचर वैरायटी जो आती है उसकी सीडलिंग्स है। और फ्रेंड्स, इतनी सैंड से तो पोर्स नहीं भरेंगे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा सॉइल प्रिपेयर कर ली है। इसमें भी मैंने यही जो जो आइटम्स है वही मिलाई है इसमें भी। तो इसको इकट्ठी कर लेंगे हम। तो फ्रेंड्स, हम ड्रेनेज होल पे पोट के स्टोन रखेंगे। फ्रेंड्स, ये कप है डिस्पोजल ग्लास, इनमें भी सीडलिंग्स लगा देंगे जो रह जाएगी। ये किसी फ्रेंड वगैरह को गिफ्ट कर देंगे हम, क्योंकि इतनी सीडलिंग तो मैं अपने टेरेस गार्डन पे लगा नहीं सकता। सो ये गिफ्ट करने के काम आ जाएगी। फ्रेंड्स, इन डिस्पोजल ग्लास में भी मैंने नीडल की हेल्प से ड्रेनेज होल बनाए हैं, देखते हो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पहले हम सॉइल भरेंगे। फ्रेंड्स, हमने पोट को अपनी फर्टाइल सॉइल से फिल कर लिया है। सो अब हम अपनी सीडलिंग्स को निकालेंगे। फ्रेंड्स, मुझे इसका रिजल्ट 90% मिला है, ये मैंने सीड से ग्रो की है। सो फ्रेंड्स, इसको सॉइल से बाहर निकालने के लिए कोई भी गार्डनिंग टूल का हेल्प ले सकते हो आप। ये हमारा बालसम का प्लांट है। अपनी फिंगर की हेल्प से होल बना के ये हमारा बालसम का एक पोट तैयार हो चुका है।
और फ्रेंड्स आपको एक मैं टिप देना चाहूँगा, सीडलिंग लगाने के बाद इसको वाटर देने के बाद 2 और 3 डेज के लिए इसको शेडी एरिया में रखना है, डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इनको। फ्रेंड्स ये हमारी जीनिया फ्लावर की सीडलिंग है। हमने बालसम का प्लांट भी डिस्पोजेबल ग्लास में लगा दिया। फ्रेंड्स ये देखिए हमने जो ट्रांसप्लांट किए प्लांट्स, इन सारी सीडलिंग्स को स्प्रे पंप की सहायता से वाटर देना है। फ्रेंड्स हमने इनको अच्छे से वाटर दे दिया है और वाटर देने के बाद इनको 2 से 3 डेज के लिए शेडी एरिया में रखना है। अगर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो ये प्लांट के ग्रो करने के सक्सेस रेट बहुत कम हो जाएगी। सो इसको 2-3 डेज के लिए शेडी एरिया में रखते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।